मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। वैसे तो मुंब्रा बाईपास पर अक्सर रात के अंधेरे में लूटपाट की घटना सामने आती थी, मगर अब अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े लूटपाट की जा रही है। अपराधियों ने मुंब्रा वाई जैक्सन माज होटल के सामने दिन में 11 बजे के करीब 1,10,000 रुपये लूट लिए। तेजा नामदेव और मैनुद्दीन गुलाब शेख इंडियन बैंक से पैसा निकाल कर घर जा रहे थे, मगर माज होटल के सामने पहुंचते ही एक व्यक्ति ने कहा, आपके पैसे गिर गए हैं। रोड पर पड़े 30 रुपये उठाने लगा। वैसे ही बैंक से निकाले हुए पैसे छीन कर अपराधी भाग गए। हम लोग दो जन थे, वो भी दो जन थे। हम लोग इंडियन बैंक से पैसा निकाले 10:40 को, फिर यहाँ पे हम लोग माज होटल पे 10:50 को पहुँचे। 10:50 को पहुँचने के बाद यहाँ पे जो है उन्होंने क्या बोला, तुम्हारा पैसा गिर गया। तो हमारे पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, हमारा पार्टनर था मैनुद्दीन शेख। तो फिर उन्होंने क्या किया कि पैसा गिर गया बोला, तो उनको क्या लगा कि अपनी थैली फट गई करके उन्होंने गाड़ी से नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद दो जन ने गाड़ी पे बैठे थे, उन्होंने क्या बोला, आपका पैसा गिर गया करके बोलने से उन्होंने क्या किया कि पैसा थैली में से फटके गिर गया क्या करके उन्होंने नीचे उतर के 30 रुपये पड़े थे वो 30 रुपये ऐसा उठाने गए। जैसा वो उठाने ऐसा झुके तो दो जन वो गाड़ी पहले ही घुमा के रखे थे ऐसा, और उन्होंने क्या किया ऐसा थैली खींचा और रुका ही नहीं, 1 सेकंड के अंदर उन्होंने गाड़ी पार कर लिया। फिर पार करने के बाद हमने जब घुमा तब तक वो अपना बाईपास क्रॉस कर लिए थे। वो कितने पैसे थे? 1,10,000 रुपये थे। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए इसके लिए? हाँ, कंप्लेंट किए थे। वो बोल रहे कि हमको बोले आपका गाड़ी का नंबर लेके आओ, उनका उनको देखते क्या, आप पहचानते क्या, क्या आपका लिंक है, ऐसा पूछ रहा हो। ब्रजेश्वरी मंदिर में हुई डकैती के मामले में ठाणे ग्रामीण पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। मंदिर में डकैती मामले में गंभीरता लेते हुए ठाणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी राठौर ने बताया कि 10 मई 2019 को मंदिर में हुई चोरी में 6 टीमें गठित की गई थी जांच के लिए, और गुप्त जानकारी पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2,83,036 रुपये और घटना में इस्तेमाल की गई 2 बाइक भी बरामद की गई है। इनके खिलाफ गणेशपुरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय ने इन्हें 25 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। ये वज्रेश्वरी देवस्थान है, यहाँ पे वज्रेश्वरी माता का मंदिर है, वहाँ पे एक दरोड़ा हुआ था, उसमें हमने गणेशपुरी पुलिस स्टेशन में 395 के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर किया था, और इसके तहत हमने ये मामला सेंसिटिव होने की वजह से मैंने मेरी पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम इस के पीछे लगाई थी। और इसमें हमने जो क्ल्यू मिला वो पहला क्ल्यू था डम डाटा के ऊपर से, हमें क्ल्यू मिला डम डाटा के हर एक मोबाइल का, हमने वहाँ पे लोकेशन देखा और उसमें डाउटफुल जो नंबर आए थे उसके तहत हमने एक ये किया कि जो आरोपी सामने आए थे उनके 2 आरोपी थे, इनके नाम पे सिम कार्ड था, और जो 2 आरोपी के नाम पे सिम कार्ड था तो हमने ये पता लगा लिया कि इनके ऊपर ऑफेंस भी रजिस्टर्ड है। जो मेन 2 एक्यूज है गोविंदा और रमेश, इनके ऊपर सिन्नर पुलिस स्टेशन में डकैती प्रिपरेशन ऑफ डकैती का ऑफेंस रजिस्टर्ड है, और बाकी भी इनके ऊपर वाडा पुलिस स्टेशन के तहत HBT और थेफ्ट के ऑफेंस रजिस्टर्ड है। तो इसके तहत हमने अभी तक 5 एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है, इसमें और 3 वांटेड एक्यूज है, इनको भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे, और ये सभी एक्यूज को 5 एक्यूज को 27 मई तक इनको PCR मिला है। अभी तक हमने 2,83,000 रुपीज और कुछ उसमें जो मुद्दे वाले वो जब्त किया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में किन्नर से प्यार और फिर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। कोलसेवाड़ी पुलिस ने सुशील भाले राव को हिरासत में लिया है। आरोपी में किन्नर धीरज राव सालवे उर्फ रेवा देसाई में प्रेम था। दोनों कल्याण पूर्व कैलाश नगर स्थित सह्याद्री पार्क में रहते थे। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और दोनों में मारपीट भी हुई, मगर इसी दौरान रेवा ने सुशील को श्राप दिया। इसके कुछ ही दिन बाद सुशील की बहन की मौत हो गई। सुशील ने सोचा शायद श्राप की वजह से उसकी बहन की मौत हुई है और उसने भी किन्नर रेवा की हत्या कर दी। आरोपी को मुंब्रा से गिरफ्तार किया गया है। IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिव सह्याद्री कॉलोनी में खड़े गोलोली, यहाँ एक किन्नर लड़की रहती थी, उसकी 17 तारीख को उसकी हत्या हुई थी, ऐसा कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन को उसकी माहिती मिली। उसके बाद कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर PI श्याम राजेश आलवे और उसकी टीम वहाँ पे गई,
तो उन्होंने देखा कि एक घर में एक किन्नर जो है शिव, उसका नाम रेखा देसाई अलियास विवेक, धीरज विवेक साड़वी, तो उसको उम्र 38 ईयर्स है, उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर हमने उसका पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। वहाँ पे इंक्वायरी करने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि उसके एक दोस्त है सुशील भालेराव, उसने हत्या की होगी ऐसा एक शक पैदा हुआ था। तो उसकी छानबीन की तो मुमरा में 7-8 घंटे में हमने उसको पकड़ लिया, मुमरा में मिला था। फिर तो उसको यहाँ पे लाके उसके पास इंक्वायरी करने के बाद उसने जवानी दे दी कि उसने हत्या की है। हत्या करने का कारण था कि उसने वो जो रेखा साड़वे है उसने कुछ बताया था कि तुम्हारा खानदान मर जाएगा, 3 से श्राप दिया था, तो इसको ये थोड़ा सा बुरा लगा, उसके वजह से उसने इसका मर्डर किया। खबर फरीदाबाद से है, जहां एनजीओ के आड़ में 5 रुपए के नकली सिक्के बनाए जा रहे थे। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के मुताबिक क्राइम ब्रांच की गुप्त सूचना के अनुसार एक इनोवा गाड़ी को रोककर जब जांच की गई तो उसमें एक महिला समेत 3 युवक बैठे थे। तलाशी के दौरान 5 रुपए के 2.5 लाख के नकली सिक्के बरामद हुए हैं। पूछताछ में बताया कि सिक्के बनाने की फैक्ट्री बहादुरगढ़ में लगी है। बहादुरगढ़ में पुलिस ने छापेमारी कर सिक्के बनाने वाली डाई भी बरामद की है। आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मुंबई के जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर तेज रफ्तार ट्रेन के आगे एक महिला अपनी 9 महीने की बच्ची के साथ कूद गई। हादसे में मां की मौत हो गई मगर बच्ची बाल बाल बच गई है। ट्रेन रुकते ही ट्रैक पर पड़ी बच्ची को लोगों ने उठाया और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बच्ची सुरक्षित है। बच्ची को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक गायत्री जायसवाल और उसके पति सुशील में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गायत्री ने ये भयानक कदम उठाया। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।